शीला और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों ऊपर से अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए दिखावा करने यहाँ चली आती है। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट के हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर दर्जन भर साड़ियाँ खरीद लाई और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुँची। शीला बहन, मेरे पति बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा साड़ियाँ ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूँ। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब जचेगी। थैंक यू शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, लेकिन शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई थी जैसे ये कोई महारानी हो और मैं इसकी दासी। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाएं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले महीने ही मैंने तुम्हें कुंडल दिलवाए थे, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। शीला का पति चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते। हाँ, याद आया, पूजा एक दिन बता रही थी कि जंगल में कोई साधु रहता है जो लोगों को जादुई सोने की साड़ी देता है। शीला साधु के पास जंगल में गई। साधु जी, मैंने सुना है आपके पास कोई जादुई सोने की साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी चीज का नाम लो तो वो चीज तुम्हारे सामने हो जाती है, और वो चीज तुम्हारे सामने हो तो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी मैं सिर्फ जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही पहचान लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। शीला साधु के सामने चली गई, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि साधु कुटिया में खाना बना रहा है। साधु खाना ढककर नदी पर नहाने चला गया। शीला चुपके से साधु की कुटिया में घुसी और जादुई सोने की साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। गांव की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने तो ऐसी साड़ी अपने जीवन में छुई भी नहीं होगी। इसके साथ ही उसकी साड़ी जादुई है, अगर कोई चीज उसके सामने हो और साड़ी पहनकर वो उस चीज का नाम ले दे तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला चिंता ना करे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह शबनम ने एक लेटर में शीला के पति का नाम लिख दिया और उस लेटर को शीला के घर के अंदर खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर लेटर देखा। शीला को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो जादुई सोने की साड़ी पहने हुए है। उसने लेटर पढ़ा। मेरे पति का नाम रामनाथ है। शीला का पति बराबर में ही खटिया पर सो रहा था। शीला ने जैसे ही पति का नाम लिया, उसका पति सोने का बन गया। शीला जोर जोर से रोने लगी।
हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे पति सोने के बन गए, मैं बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। शीला ने लेटर को ध्यान से देखा, वो समझ गई कि ये शबनम की हैंडराइटिंग है, तो ये सब शबनम का काम है। लेकिन वो चिंता ना करे, मैं उसके पति को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का पति सुबह सोकर उठा ही था और बाहर टहल रहा था। शबनम ने शीला के पति को नाम से पुकारा, सुनिए सुनील जी। नाम लेते ही शबनम का पति भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने पति को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे पति को सोने का बना दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगती हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी साधु वहां पर आता है। अब कैसा लग रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से जादुई सोने की साड़ी चुरा ली थी, अब बताओ क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गई? मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, किसी भी तरह मेरे पति को वापस पहले जैसा कर दीजिए और अपनी जादुई साड़ी वापस ले लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। साधु जी, मेरे पति को भी वापस जिंदा कर दीजिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों अपने सुख से प्यार नहीं करती बल्कि एक दूसरे को दुखी देखना चाहती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों को दिखावा करना छोड़ो और तुम्हारे पास जो है उसका आनंद लो, उससे खुश रहो, वरना ये पूरा जीवन इसी तरह दूसरों को दुखी करने में निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम साधु से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगी और प्रेम से मिलजुल कर रहेंगी। साधु उनके पति को दोबारा इंसान बना देता है और जादुई साड़ी लेकर चला जाता है। सहारनपुर नाम के गांव में प्रिया और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। प्रिया गरीब थी और उसके पिता आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी तय हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा। क्यों पापा? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है, खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तेरी शादी के लिए 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना है, लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पापा, आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रिया का अकेले में घर पर मन नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना, वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी वड़ा पाव वाले के सपने में खो गई है। मेरा पति वड़ा पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान का मालिक? तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की गारंटी नहीं है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है, मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी।
शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले टीना ने गांव की सभी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी मेहंदी खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन सुबह को जब प्रिया मेहंदी लेने पहुंची, तो उसे पूरे गांव में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद तक नहीं है। अब आया मजा, जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल पहुँचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक पेड़ पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है। प्रिया ने पेड़ के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर ली। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगी देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। प्रिया अपनी ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। ये मैंने एक पेड़ से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी चीज छूती गई, वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ, वो सोने की बन रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ जादू है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए, तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने का बना लिया। कुछ दिनों बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी समय गांव में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा, तो वो चौंक गई। टीना चुपके से प्रिया के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है, जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ। बक्सा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, बेड भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई, वो सब गोबर बनती गई। टीना का पति बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें हमारी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के पति ने टीना की बात नहीं सुनी,
और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही पति भी गोबर के ढेर में बदल गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ गोबर हो गया, कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं लालच का फल बुरा होता है।